कोलकाता में जो हुआ उसे सबको देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उम्मीदवारों का नाम लेते रहे और उम्मीदवार मंच पर आता गया। इसके बाद ममता दीदी के साथ इन उम्मीदवारों ने रैंप वॉक किया। पश्चिम बंगाल 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। फाइट सीधी है, मोदी बनाम ममता। बंगला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा में कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक से एक योद्धा, एक से एक रणनीतिकार, एक से एक सियासी सूरमा। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल विजय ही दिल्ली जीत का रास्ता है। ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल समझनी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने हाफ और टीएमसी ने पूरा साफ कर दिया है कि उनके रणभाकुरे कौन है, मतलब कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। बैटल ऑफ बंगाल के अलगार के बाद ममता बनर्जी एक्शन में है, क्या कहा सुनिए, उसके बाद दिखाएंगे किस करवट ऊंट बैठता दिख रहा है। अब की बार बंगाल में चुनावी ऊंट इलेक्शन आगे बोलवे क्या देबो क्या देबे ना ओटा ब्या देबे তার মানে ব্যাক আউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু আমরা আপনাদের সেলটা দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না, চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी यानी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जो बात क्लियर हो गई है वो ये कि दीदी एकला चलो का राग गुनगुना रही हैं। जाहिर है इंडी गठबंधन का बंगाल में बंटाधार हो चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी ने किसी पार्टी वर्कर को नहीं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। मतलब कभी इंडी गठबंधन के लिए बैठक करने और स्ट्रेटजी तैयार करने वाली ममता बनर्जी अब इंडी गठबंधन के संपूर्ण खात्मे के स्क्रिप्ट चुकी है। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है, ये कौन सा रूल है, कोई बंगाली नहीं मिला आपको, बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या, आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे, ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की MP बनाए गए, अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको MP पद दिलवाती, या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान, लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो,
बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। पहले टीएमसी के कुछ बड़े चेहरों की सीट देख लीजिए, फिर बंगाल चुनाव की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में थे और वहां वो टीएमसी पर खूब गरजे। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की और बीजेपी पर खूब बरसी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर बंगाल पे है, जिसे टीएमसी अपना गढ़ मानती है, और टीएमसी की नजर दक्षिण बंगाल पे है, जिसे बीजेपी अपना किला समझती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां कहां हैं। ऐसे में बंगाल के मुकाबले को देखकर लगता है कि यहां जंग मोदी बनाम ममता की होने वाली है। पश्चिम बंगाल में इस बार होने वाले चुनाव को बंगाल बनाम बाहरी का मुकाबला बताया जा रहा है, और जिस तरह से टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन पर बंगाल को पीछे धकेलने का भी आरोप उन्होंने लगाया। बीजेपी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि टीएमसी के बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा से हैं या पश्चिम बंगाल से, टीएमसी की सूची उन लोगों से भरी हुई है जिन्हें ममता बनर्जी बोयरा गोटोस कहती है। उनकी विभाजनकारी राजनीति पर शर्म आती है जो पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल रही है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बंगाल बनाम बाहरी की लड़ाई छिड़ चुकी है। इस मामले में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा कि वो बंगाल के लोगों की सेवा करेंगे, तो अधीर रंजन चौधरी ने उनकी उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिए। मुझे बहुत प्यार मिला है कलकत्ता में, हमेशा प्यार मिला, और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको शो करूंगा। ये अच्छा मौका दिया है मुझे टीएमसी ने। टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया। बस हर चीज़ बदलती है अच्छे के लिए, और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे, और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा मैं। आपने मुझे कब से आउटसाइडर बना दिया? यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती।